बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रही है। वहीं अब 5 अगस्त को भी शिमला राजभवन के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बुधवार को सोलन सदर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस आवाज उठा रही है। ऐसे में आज बढ़ती महंगाई भी एक मुद्दा बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश में लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। धनीराम शांडे ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर महंगाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। खाद्यान्न वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है जो कि शर्मनाक है। आज वर्ल्ड में महंगाई के क्षेत्र में टॉप 10 देशों में भारत शामिल है। सोलन में विकास पूरी तरह से थम चुका है। हमारे देश में आज जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है जिससे सभी त्रस्त हैं, खासकर जो हमारा लोअर स्टेट ऑफ लाइफ है उनके लिए तो जीना दूभर हो गया है, वो है महंगाई। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ा है, चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी केंद्रीय सरकार और खासकर आज का जो कि सेशन इज ऑन, पार्लियामेंट सेशन इज ऑन, उसके बावजूद उस पर किसी भी प्रकार की बहस न करते हुए उससे मुँह मोड़कर और डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दों पर ले जाना बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमारे आज इंटरनेशनल कांग्रेस पूरे देश में देशव्यापी एक आंदोलन के रूप में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी गृहिणी चलाती है काम, किस प्रकार से हम अपने व्हीकल में तेल डालते हैं, किस प्रकार से हम रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी अब जीएसटी लग चुका है। आटा, दाल और जो खाने की सामग्री, तेल और डीजल तो पहले ही आप देख चुके हैं, पेट्रोल डीजल के हाल और गैस रसोई के दाम। तो ये जो आम जनता से मुड़ा मुद्दा है इस पर हमें गहन चिंतन की ज़रूरत है। इसीलिए आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का जो सेशन था इसीलिए लिया गया था। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।